बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीबी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 5, द यूनिट 6। द टाइटल ऑफ यूनिट 6 इज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.6। हमने एक्सरसाइज करनी है, वो कह रहे हैं अलाइन एंड ऐड। वो कह रहे हैं इनको अलाइन करें और ऐड करें 0.67 को, 39 को, 7.5 को, 58.22 को। तो देखें, सिंपल जिस तरीके से हम होल नंबर्स को ऐडअप करते थे, इसी तरीके से हम इनको भी ऐडअप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 0.67। अब ये 39 है, तो देखें 39 को हम कैसे इधर लिख लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बगैर है। 7.5 इसका कुछ नहीं है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, 0। 7.5 तो देखें 7.5, 58.22, 58.22। इन सब को हम ऐड अप कर देते हैं। 7 में 0 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13, 1 कैरी आ गया इधर, 9 और 1 10 और 7 17 और 8 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 का 5 आ गया, पॉइंट इधर आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारा कलेक्टिव आंसर क्या आ गया, 105.39। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है 8.0202, 28.98, 28.98, 617.7, 617.7। इनके कुछ नहीं है, तो 0, 0 होंगे, इसके भी 0, 0, 0 होंगे। 2 में 0 ऐड किया 2, 0, 2 में 8 ऐड किया तो 10, 9, 1, 10 और 7, 17, 1 कैरी, 8 और 8, 16 और 8, 24, 2 कैरी, 2 टू 4, 1, 5 और ये 6। तो कलेक्टिव हमारा आंसर गया 654.7002। इसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अलाइन एंड सब्ट्रैक्ट 30 माइनस 28.735। 2 का पार्ट 1, 30 में से क्या माइनस करना है, 28.735। इसका कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद हम 0, 0 लगा लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। 0 में से 5 की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कैरी के लिए किया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो मैंने इधर से कैरी लिया, यहाँ से कह लिया, ये 10 हो गया, 10 से इधर कह लिया, ये 10, ये 10, ये 10, 10 में से 5 गया 5, इधर क्या रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, इधर क्या रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, इधर क्या रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, इधर क्या रह गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.265। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं 497.1 और इधर से 437.805। तो इसके आगे हमने 0 लगा लिए। देखें इसको करते हैं, यहाँ से इधर लिया ये 10 हो गया, इधर लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, इधर क्या गया 9, 9 में से 0 गया 9, इधर क्या रह गया, इधर 0 रह गया था, 7 से कह लिया तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, इधर क्या रह गया 6, 7 वाले से कह लिया तो 16 हो गया, 16 में से 7 गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, इधर क्या बचा 8, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 4 गया 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कह सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करके दें। ऑन मंडे 2.435 सेंटीमीटर रेन फेल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 2.435
435 हुई है रेन एंड अनदर 1.85 इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो कह रहा है 1.85 किस में हुई है, आफ्टरनून में, 1.85 आफ्टरनून में। हाउ मच रेन फेल ऑन द ऑन मंडे, वो कह रहे हैं मंडे दिन कितनी रेन हुई है, तो हाउ मच मीन्स प्लस, तो प्लस कर देते हैं 5, 5, 3, 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4, इट मीन्स दैट 4.285 सेंटीमीटर रेन हुई है टोटली कब, मंडे को जी। तो इसी के समय दूसरा पार्ट भी रिजोल्व कर सकते हैं। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।